अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पटे आइडियाज। तो आज हमारे किचन बनने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार से फिश फिंगर्स। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर ये फिश ली है, ये बोनलेस है। को हमने जो है बड़े बड़े पीसेस में, लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है और ये हमारी वॉश हुई हुई है। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे लेमन का जूस। और डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इसको छन के अंदर रखेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है, जितना भी है, सब निकल जाए। वैसे तो हमने इसको धो के रखा था, पर फिर भी हम इसको एक बार ऐसे कर लेंगे। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर अपनी फिश फिंगर्स ऐड करेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट क्योंकि हमने पहले भी सॉल्ट ऐड करा है। और ये हमने दही ऐड कर रहे हैं जिसका पानी जो है बिल्कुल निकला हुआ है। और हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून मैदा और इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और इन सारे मसाले को अच्छे तरीके से फिश के अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से फिश के ऊपर लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वाटर नहीं है। और इसको मैरिनेट करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने अपना ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये हम लोगों ने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। ये देखिए 10-15 मिनट्स हो गए हैं। अब हम अपनी फिश फिंगर्स लेंगे और इसको अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स के ऊपर कोट करेंगे। ऐसे ही हम अपनी सारी फिश इससे कोट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको अपने ऑयल के अंदर डालेंगे और हम इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको जो है साइड से पलट देंगे। ये देखिए, इसके ऊपर काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। और हम इसको एक साइड से और 5 मिनट्स तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट बैच फ्राई हो गया है और हम ऐसे ही अपना सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी फिश फिंगर्स बनके बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम इसके मज़े लेंगे। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर, हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।